और अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। पॉलिटिकल साइंस आपने रखा है, सबसे पहले आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इस हवाले से। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस बेहतर है आईआर बेहतर है, क्या सोर्स होना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए, मेरा ड्यूरेशन कितना होगा, टाइमिंग क्या होगी, और लेक्चर्स कितने होंगे, क्या क्या पढ़ना है, पेपर 1 ही पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं फॉर द 5 मिनट्स। जो भी सवाल है वो आप टाइप कर दें तो मैं आपको उनके जवाब दे दूंगी। और इस ड्यूरेशन में मैं आप अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। एज आई हैव मेंशन इन द स्लाइड, मेरा नाम सुंबल शहजाद है, मैंने एमएस जूलॉजी किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, 2018 में कंप्लीट किया था, एंड सिंस देन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स इन माई जर्नी। मैंने 2019 में भी क्लियर किया था पीएमएस करेटन, और 2020 में भी क्लियर किया है। मेरा इंटरव्यू अभी होना है, देखिए कब तक होता है, डेट तो 24 को आई है, फर्स्ट इंटरव्यू 24 को कंडक्ट होना है, मेरी डेट अभी तक नहीं आई। 2019 का जो मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ था उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, ठीक है। 16 सीट्स के ऊपर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो वो अभी तक रिजल्ट नहीं आया उसका। 60 सीट्स का आ गया, 16 सीट्स का नहीं आया, तो ये कहा जा सकता है कि मैं भी 2019 के रिजल्ट का भी वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम काशिफ। ड्यूरेशन एंड फी ऑफ द कोर्स, ड्यूरेशन जो है ना, मैंने जो डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से तो 1.5 महीना या तकरीबन 2 महीने लगेंगे, ठीक है। और हम वीक में तकरीबन 4 डेज चलेंगे, क्लासेस होंगी और 3 डेज ऑफ होंगे, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ, और मंडे टू थर्सडे जो है वो ऑन होगा। थैंक यू काशिफ सो मच। फी है हमारी 5,000, ठीक है, मैं देती हूँ टिप्स आपको। फी 5,000 है, इसमें हमने दोनों ही सब्जेक्ट्स को कवर करना है, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, और हम जो भी है इम्पॉर्टेंट चीज़ें पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, क्योंकि आप देखिए आई डोंट नो कि आप लोग के बैकग्राउंड क्या है, मेरा तो बैकग्राउंड जूलॉजी का था। कोई इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड से आ रहा होगा, कोई लॉ के बैकग्राउंड से आ रहा होगा, तो हम सारे पॉलिटिकल साइंस को इस तरह नहीं जानते जिस तरह कोई भी एमफिल करने वाला, पीएचडी करने वाला या मास्टर्स करने वाला बंदा जानता होगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें करनी है जो कि हमारे पेपर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो हम बहुत सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, बट जो स्टडी करेंगे ना उसमें से 100% तो नहीं, लेकिन 80% तक पेपर आपका वो ही आएगा, ठीक है। और बाकी 20% में से 25% आप समझ लें चॉइस पे आप छोड़ सकते हैं, मतलब वो चीज़ें भी आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं जो आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। अभी मतलब लास्ट टाइम भी मेरे 2 से 3 सेशंस हो चुके हैं, उसमें भी अच्छा। मैं पॉलिटिकल साइंस के अलावा और एक और सब्जेक्ट पढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ, वो पंजाबी है, लेकिन वो मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ाऊंगी। अच्छा, साइकोलॉजी है बैकग्राउंड, ओके। तो मैं क्या कह रही थी कि हम सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, ठीक है। और अभी मैंने 2 से 3 बैचेस जो पढ़ाए हैं उसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स के कंसर्न्स थे कि मैम आप तो बहुत सिलेक्टिव पढ़ा रही हैं, पता नहीं पेपर में आएगा भी कि नहीं, पता नहीं वो सारा ना आ जाए जो हम नहीं पढ़े। तो वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि 5 साल के पेपर उठा के देखें और मेरा कोर्स के जो कंटेंट्स हैं वो उठा के देखें, उसके अलावा चीज़ें बहुत 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 काम आई होंगी, और उसके अलावा जो चीज़ें आई होंगी ना वो ग्लोबलाइजेशन या करंट अफेयर्स में से आई होंगी, ठीक है। तो अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है और आपके पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन दोनों को मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो फिलोसफर्स कराऊंगी सिर्फ वही आएंगे इंशाल्लाह, उसके अलावा और कोई नहीं आएंगे, ठीक है। और जो टॉपिक्स कराऊंगी इंशाल्लाह उसमें आप पेपर क्रैक कर लेंगे। अभी एक इंसिडेंट है हुआ है, जो ये 2021 के पेपर हुए पॉलिटिकल साइंस के, तो मेरे स्टूडेंट ने
पेपर वन के बाद मुझे कांटेक्ट किया एंड ही आस्क के कुछ भी इम्पोर्टेंट बता दें कि मैं वही पढ़ूँ, मेरे पास 1.5 घंटा है, मैं और ज़्यादा नहीं पढ़ सकूँगा. देन आई जस्ट मेंशन सम टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स जो मैंने बताए थे उसको 100% पेपर उसी में से आया, 100%. सिर्फ हाँ, तकरीबन सारा पेपर जो मैंने उसे बताया था वो ही आया था. एंड आफ्टर द पेपर ही जस्ट कॉल्ड मी, और मुझे उसने कहा कि मैम आपने जो बताया था वो ही पेपर में आया था. तो मेरा ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि डोंट गेट पैनिक फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मैम ने ये नहीं पढ़ाया, मैम ने ये नहीं पढ़ाया, मैम ने ये नहीं पढ़ाया, ठीक है. जस्ट जो फेथ इन मी और वो ट्रस्ट मुझ पे रखें कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ मुझे पता है कि आपका फ्यूचर है, ठीक है. इंशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी, मेरी पूरी पूरी कोशिश होगी, ठीक है. वालेकुम अस्सलाम फहद. तो और जो मैं नहीं पढ़ा रही चीज़ें वो इतनी अहम नहीं है, फाइन. और जो मैं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह वो पेपर में आ जाएगी, तो परेशान नहीं होना पहली चीज. इसके अलावा और कोई सवाल है आपके तो पूछ ले मेरे से, ये मेरी थोड़ी सी रुदात थी जो मैं सुनाना चाहती थी. जल्दी जल्दी से पूछे फिर हमने प्लेटो शुरू करना है, आगे हम बहुत लेट हो गए. जी फहद पूछे. पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट क्या हैं, फहद ने पूछा मेरे से. तो पॉलिटिकल साइंस के कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एंड व्हाई इट इज अ साइंस. देन हम देखते हैं कि स्टेट का क्या कंसेप्ट है, लेजिस्लेचर किसे कहते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, और स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुई थी, नेशनैलिटी का क्या कंसेप्ट है. तो ये बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं. आप डेली लाइफ में भी लॉ के बारे में देखते हो कि कानून पास हुआ ही हो, लॉ क्या होता है, बिल क्या होता है, लॉ के पास होने के क्या प्रोसेसेस हैं. तो ये सब पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट हैं. अच्छा, हम लोग जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, व्हेन यू विल सबमिट योर फी, आई विल और मैम करतलैन विल ऐड यू इन अ ग्रुप, ठीक है. जैसे ही आप जो है फी सबमिट करवाएंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और जब आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो जो जो डेली के लेक्चर्स होते जाएंगे वहाँ वो स्लाइड्स, जो जैसे मैंने अभी स्लाइड्स आपके सामने खुली हुई है, इस तरह की बहुत सारी स्लाइड्स हैं मेरे पास पूरे जो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पेपर 2 की हैं, वो शेयर होती जाएंगी हर रोज के हिसाब से. और अगर कभी मैं नहीं कर पाती एक दिन, तो अगले दिन 2 लेक्चर्स की हो जाएंगी, ठीक है. तो परेशान नहीं होना, स्लाइड्स आपको वहाँ व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगी, PDF में होंगी. अच्छा जी, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पेपर 2 के लिए कंपाइल्ड नोट्स या बुक्स आप पूछ रही हैं. मेरे पास एक बुक है JWT की, उसमें पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से सारा कुछ मौजूद है, ठीक है. तो एक अच्छी कंपाइलेशन है, मुझे पसंद है, लेकिन मैंने इसमें से नहीं तैयारी की. मैंने पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ी है, ठीक है. और अगर मेरे नोट्स आप ले लेंगे तो ये भी एक आपके लिए अच्छी चीज़ होगी. पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक बता दें, ये पता चला, ये तो ये पता चला. अच्छा ठीक है. इसके बाद फी 5,000 है जुबैर. इट इज नेसेसरी टू पॉलिटिकल सिस्टम. अच्छा, पॉलिटिकल सिस्टम्स या कॉन्स्टिट्यूशंस हमने पढ़ने ही होते हैं, ठीक है. जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने होते हैं, क्योंकि पेपर 2 का एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशंस पे बेस कर रहा है, ठीक है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के, तो हमने करने होते हैं. जो आपके पास सिलेबस है उसके अंदर आई गेस जर्मनी का है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर मलेशिया का PMS में है, रशिया का भी है, तो हमने ये, और ईरान का है, तो हमने 4 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं करने, बाकी सबके करने हैं. जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशंस करते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम खुद ही समझ आने लग जाते हैं. फी रिलैक्सेशन, या यार जनाब देखें, फी फी वैसे मैंने बहुत कम रखी है, मैंने फी बहुत ज्यादा नहीं रखी, तो इसलिए मैं नहीं, फी रिलैक्सेशन नहीं हो सकती, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने रखी ही बहुत कम है.
अब अगर देखे ना पेपर वन की 2500, पेपर टू की 2500 है, तो उसमें मैं नोट्स भी दे रही हूँ, मैं टाइम भी दे रही हूँ, 24/7 अवेलेबल, कि जी जब भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं उसका जवाब दे दूंगी, इसलिए फ्री रिलैक्सेशन नहीं हो सकती. इलेक्शन सिस्टम ऑफ द कंट्रीज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वेरी क्या, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो लीव इट, जस्ट अंडरस्टैंड करें कि जी इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, हम इसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे. अच्छा ये किसका माइक ऑन है? नहीं, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट हो रहे हैं. वो जो फ्रांस में है वो एक सिस्टम है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर कैसे आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी ऐसे कोई अहम नहीं है चीज ये कि प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट हो रहे हैं. फंक्शंस इंपॉर्टेंट है उनके. अच्छा, पॉलिटिकल साइंस जो है ना, इसमें बड़ी चीजें हैं, एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें फिलोसोफर्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं. तो एक्चुअली में इंग्लिश ऐसे जो होता है ना, उसमें वो क्या, मैं आपको बताऊं कि छोटी छोटी चीजें जो आपने जिंदगी में सीखी होती है ना, जिंदगी में पढ़ी होती हैं, तो वो आप ऐसे में लिख सकते हैं, ठीक है. तो पॉलिटिकल साइंस बहुत अहम है, जैसे कि कभी ऐसा टॉपिक भी आ सकता है, डेमोक्रेसी, लिटरेसी, ठीक है, और होप्स एंड हर्डल्स फॉर द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. तो इस तरह के मसले मसाइल या करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो पॉलिटिकल साइंस उन चीज़ों को डील कर रही होती है. तो है, इम्पॉर्टेंट है. 2019 में आया हुआ था टॉपिक ऑफ द एसे, डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी, ठीक है. तो अब यहाँ पर आप सॉक्रेटिस को, प्लेटो को, इन लोगों को मैंशन करेंगे. हाँ जी, मैं ये बता रही हूँ कि जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ऐसे आ जाते हैं, मतलब आप चीजें कोट कर सकते हो ऐसे के अंदर. अच्छा जी, और कोई सवाल कि हम फिर शुरू करें ताकि आपको अंदाजा हो, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस. ओके, लेट मी स्टार्ट. के सबसे पहले तो हम देख लेते पॉलिटिकल साइंस है क्या, ठीक है. तो देखें, पॉलिटिकल साइंस में हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्टेट को, ठीक है. पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट को पढ़ें, स्टेट के सिस्टम को पढ़ें, स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी चीज़ों की उसको पढ़ें, ठीक है. चले फादी, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पॉलिटिकल साइंस अपने ऑप्शनल में सेलेक्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ. अच्छा, अब काइंडली जो है अपने सवाल ज़रा थोड़ी देर के लिए रोके, हम लेक्चर शुरू करते हैं. अब लेक्चर के एंड में मैं आपके क्वेश्चन लूँगी, ठीक है. जस्ट राइट देम डाउन ऑन अ पेपर सो दैट यू कैन यू डू नॉट फॉरगेट. वीडियो अपलोड कर देंगे फेसबुक पे, कर देंगे ग्रुप में, ठीक है. सबसे पहले हमने बात की स्टेट क्या है, ठीक है, और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती है, ये चीज़ें हमने जो है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी और पढ़नी है. और जो है ओरिजिन कैसे हुआ था स्टेट का, ठीक है, स्टेट में लॉज किस तरह के होने चाहिए, स्टेट में लॉज कैसे बनते हैं, ठीक है, लोगों की से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरह के सारे कंसेप्ट जो है ना पॉलिटिकल साइंस में पढ़े जाते हैं. So this is political science. Actually, it is related to the people. ठीक है, it is related to the people. तो लोगों को क्या services दी जा रही हैं state के अंदर, कैसे services होनी चाहिए, किस तरह के laws मौजूद होने चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, लोगों को एक बेहतर lifestyle दिया जा सकता है, और किस तरह दिया जा सकता है, ये सब कुछ political science का part है, ठीक है. तो जी पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये सवाल अगर आपके जहन में आता है कि भाई ये तो हम फिलोसफर्स पढ़े हैं, ये तो बड़ा एक थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल क्या होता है. साइंस में तो यूजुअली जैसे लैब होती है हमारे पास, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं,
ठीक है ना, तो इस तरह की बातें। तो अब आप मुझे बताएं कि इसको साइंस क्यों कहा जाता है, आती है बात माइंड में, ये फिलोसफी क्यों नहीं है, ये जिस तरह दूसरे सोशल साइंसेज हैं उस तरह की कोई चीज क्यों नहीं है? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, अजान हो रही है। काइंडली जिसका माइक ऑन है वो ऑफ करे फटाफट से। हाउ टू कवर पॉलिटिकल साइंस इन अ मंथ, पढ़ के बेटा 15 दिन में एक सब्जेक्ट हो जाएगा, पेपर वन 15 दिन में, पेपर टू हो जाएगा, ठीक है? तो इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है पॉलिटिकल साइंस, आपने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने हैं। बहुत सारी बातें आप डेली सुनते हो, ठीक है, कि ऐवान मतलब जो हमारा अपर हाउस है लोअर हाउस है उसे ऐवान कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, आपको पता है कानून कैसे पास होता है, कानून क्या होता है, चीजें आपको पता है, ठीक है, बस अब आपने उन्हें समझना है। आप डेली सुनते हैं इन बातों को, ठीक है, वकार सही कह रहे हैं आप। पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज जो है हमारी सोशल लाइफ में अप्लाई होती हैं, जुबैर कह रहे हैं, ठीक है, कुछ हद तक बातें सही हैं, हम एक प्रॉपर वे से लेके चलते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की जो अप्रोच है ना वो रैशनल है और सिस्टमैटिक है, दैट्स व्हाई इट इज साइंस। साइंस की रैशनल और सिस्टमैटिक होती है, ये भी स्टेप वाइज चलता है, सिस्टमैटिकली चलता है और रैशनली चलता है, ठीक है, क्योंकि इसका मेथड ऑफ स्टडी साइंटिफिक है, दैट इज व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस। देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, जैसे अभी जुबैर कह रही है इसकी थ्योरीज हमारी सोशल लाइफ में अप्लाई होती हैं। तो लेट्स से नॉट ऑल द थ्योरीज एंड नॉट ऑल द पर्सपेक्टिव ऑफ ईच थ्योरी, लेकिन बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं उस कानून को अप्लाई कर देते हैं, किसी ना किसी थ्योरी पे बेस हो रहा होता है वो चीज, ठीक है। तो ये बात है कि होल वर्ल्ड इज अ लेबोरेटरी फॉर द पॉलिटिकल साइंस एंड वी कैन टेस्ट द थ्योरीज और फिलोसफी ऑफ द फिलोसफर इन आर स्टेट, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, हम इसको साइंस में स्टडी कर रहे होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि इस ये चीज थी और इसका ये लोगों पे इफेक्ट हुआ है, ठीक है, जैसे हम कोई वैक्सीन देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ये देख रहे होते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया, इसका इफेक्ट क्या हुआ बॉडी के ऊपर, राइट, या कोई वायरस आया है तो हम ये देखते हैं, ये तो इफेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है, हम वो चीज तलाश करते हैं कि क्या रीजन हो सकता है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी होता है, हम कोई लॉ बना रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट, और हमने उसको अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आए जो हम चाह रहे थे आए, तो हम ये देखते हैं कि भाई वेयर आर द लूप होल्स, कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फाइनली माइक ऑन है, फाइन। तो और ये है कि यूनिवर्सलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स होती है, अब कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन लेट्स से इन पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम में हुआ है तो वो जिधर भी
जिधर भी होगा, ठीक है, जिधर भी दुनिया में होगा अगेन अप्लाई, तो उसके वो ही रिजल्ट्स आएंगे जो पाकिस्तान में आए थे. दैट इज व्हाई यूनिवर्सैलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स. तो फहद, आप मुझे प्लीज बता देंगे मैंने क्या रिपीट करना है. तो हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस साइंस की है. मैं फिर काउंट करवा देती हूँ. फर्स्ट थिंग इज साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी है, देन सिस्टमैटिक नॉलेज है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है. नेक्स्ट है क्या, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देन यूनिवर्सैलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स, ठीक है. ब्यूरोक्रेसी का फंक्शन यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में, जुडिशरी का फंक्शन यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में, लेजिस्लेचर का फंक्शन यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में. हो सकता है कोई 19-20 हो जाए किसी ना किसी रोल में, बट मोर और लेस वही बातें होती हैं. तो दिस इज के पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है. अच्छा, ये बातें रिपीट होंगी. अब हमने देखना है प्लेटो की फिलॉसफी को. मैं थोड़ा सा तेज चलूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए और मेरा एक लिमिटेड टाइम था कंडक्ट करने का. तो प्लेटो जो है ना, वो एक्चुअली में फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस समझ लिया कि शुरू ही यहाँ से हुई थी. इससे पहले थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ. सॉक्रेटिस थे, ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी. उनके जहन में बात थी, सॉक्रेटिस के जहन में, कि एक स्टेट को वेल एक्सपीरियंस्ड लोगों को चलाना चाहिए. ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि डेमोक्रेसी में आप किसी को भी उठा के ले आते हो और उस सीट पे बिठा देते हो जिसमें पूरी स्टेट के जितने भी बिलियंस ऑफ पीपल या मिलियंस ऑफ पीपल या हंड्रेड्स ऑफ पीपल मौजूद हैं, वो सिर्फ इफेक्ट हो रहे हैं. तो इट वॉज ऑफ द व्यू कि किसी ऐसे बंदे को रूल करना चाहिए जो कि उसका कैपेबल है, ठीक है, जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड है. ठीक है, दैट वॉज द व्यू ऑफ द सॉक्रेटिस. और इसी वजह से उसको जहर पीना पड़ा था, हैमलॉक पिया था उसने, एंड उनकी फिर डेथ हो गई थी, राइट. एंड ही वॉज प्लेटो वॉज अ डिसाइपल ऑफ सॉक्रेटिस. ठीक है, अब हम इनकी फिलोसफी जब पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, तो बात उनकी भी सही थी, लेकिन डेमोक्रेसी के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं. ओके, तो कंटेंट्स हम क्या कवर करेंगे. सबसे पहले हमारा जो प्लेटो का कंसेप्ट है आइडियल स्टेट का, वो हमने देखना है. थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देखनी है, एजुकेशन सिस्टम देखना है, फिलोसोफर किंग देखना है, एंड हिज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस वी विल सी. तो सबसे पहले प्लेटो कहाँ से थे. ही वॉज फ्रॉम एथेंस. 428 BC में इनका बर्थ हुआ था. ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर. मैंने जैसे बताया कि स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेटिस थे और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, और सॉक्रेटिस डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे. इसलिए इफ यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन देन यू कैन, इफ यू डोंट वॉन्ट टू देन यू डोंट. मैंने बताया है कि मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड आई विल पोस्ट इट इन द फेसबुक ग्रुप. अच्छा, तो ही ट्रेवल टू इटली एंड टू अदर कंट्रीज. ठीक है, और जब ये वापस आए तो इन्होंने द अकेडमी की बुनियाद रखी. ठीक है, इन्होंने द अकेडमी की बुनियाद रखी 387 BC में, किधर, एथेंस में. और इनका मेथड ऑफ टीचिंग वाज डायलेक्टिक्स. व्हाट इज डायलेक्टिक्स. जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि बताएं जी इसे पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज नॉट अ फिलोसफी. ठीक है, तो ये डायलेक्टिक्स है कि मैं सवाल पूछूं, आप जवाब दो, फिर मैं कहूँ अच्छा ये तो ऐसे भी हो सकता था, ये तो ऐसे भी हो सकता था. तो प्लेटो को पढ़ाने का तरीका ऐसे था कि ही कंपेल हिज स्टूडेंट टू थिंक, सोचो ये कैसे हो रहा है, सोचो ये कैसे हो रहा है. ठीक है, द अकेडमी, एन अकेडमी नहीं, द अकेडमी नाम था. ठीक है, इनके इंस्टीट्यूशन का अकेडमी, ऐसी जगह जहां पढ़ा जाए, इलम हासिल किया जाए. ठीक है, इनके इंस्टीट्यूशन का नाम ही द अकेडमी था. ठीक है, चले जी, नेक्स्ट आ जाते हैं. इनका आइडियल स्टेट का क्या कंसेप्ट था. इन्होंने जो है अपनी बुक रिपब्लिक में आइडिया दिया. क्या आइडिया दिया, आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए. ठीक है, उसे कौन रूल करे, उसमें क्या सिस्टम हो एजुकेशन का, जुडिशरी का, रूलर कैसा हो, रूलर क्या क्या पढ़ के आगे आए. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी आइडियल स्टेट में रूलर का सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम दिया था. ठीक है,
उन्होंने कलेक्टिविज्म का एक कंसेप्ट दिया, ठीक है, ताकि जो लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। ठीक है, उन्होंने कहा कि लोग जो हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ना एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में रहते हैं और कोऑर्डिनेट करके रहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। तो उस कोऑर्डिनेशन में रहने की वजह से, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहने की वजह से, कलेक्टिविज्म की वजह से एक स्टेट बन जाती है। ठीक है, लोग एक ग्रुप में रह रहे हैं, अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे एंड दिस इज अ स्टेट। ठीक है, उस टाइम पे तो स्टेट्स बहुत छोटी छोटी सी होती थी, बल्कि शहर ही होते थे जिन्हें हम, मतलब क्या कहते हैं उनको, छोटी छोटी सी सिटी स्टेट्स होती थी, वो इसमें हंड्रेड्स की तादाद होती थी वहां लोगों की। तो उनकी नजर में, प्लेटो की नजर में स्टेट एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेट में रहते हुए लोग अपनी नीड्स बेहतर तरीके से पूरी कर सकते हैं, कुछ ऐसी नीड्स जो इंसान आइसोलेशन में नहीं पूरी कर सकता, स्टेट की वजह से वो आराम से पूरी कर सकते हैं। तो स्टेट इज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन बिकॉज पीपल आर अचीविंग देयर नीड्स बाय लिविंग इन द स्टेट। ठीक है, तो ये इनका स्टेट का कंसेप्ट था। ओके, तो फीचर्स क्या है आइडियल स्टेट के? ठीक है, फीचर्स में सबसे पहले तो इन्होंने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया है। व्हाट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन? ये मेन हार्ट ऑफ द प्लेटोज फिलोसफी है। ठीक है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में क्या है, तीन क्लासेस हैं, ठीक है, हमारे पास रूलिंग क्लास, मिलिट्री क्लास, आर्टिसन क्लास। अच्छा, प्लेटो कहते हैं कि ना इंसान जो पैदा हुआ है ना उसमें तीन तरह की खसूसियात हो सकती हैं, हर इंसान में उन तीन में से कोई एक तरह की खसूसियत हो। ठीक है, या तो वो बहुत ज्यादा वाइज होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइज होगा, ठीक है, जहन उसका बहुत ज्यादा काम करेगा। दूसरा मिलिट्री क्लास, वो क्या होगी कि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होगी, फाइन, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होगी, करीजियस होगी। ठीक है, देन थर्ड वन इज आर्टिसन और प्रोफेशनल क्लास, ये ऐसे लोग होंगे जिनमें हवस होगी पैसे की, ठीक है, और वो पैसा बनाना चाहेंगे, कारोबार करना चाहेंगे। तो प्लेटो ने कहा कि इनमें से एक प्रॉपर्टी जिसमें भी प्रोमिनेंट होगी ना, तो वो रूलिंग क्लास में या मिलिट्री क्लास में, आर्टिसन क्लास में जा सकते हैं। ठीक है, अब वो स्टेट को कहते हैं कि ना स्टेट के तीन ऑर्गन्स हैं, जस्ट लाइक अ बॉडी, जैसे बॉडी में हमारे पास हार्ट, ब्रेन, बेली है, तो स्टेट में भी तीन तरह के ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, ब्रेन, बेली। रूलिंग क्लास जो है ना वो क्या है, ब्रेन है, जो भी रूल कर रहा है ना वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा अकलमंद। ठीक है, देन मिलिट्री क्लास होगी, मिलिट्री क्लास इज द हार्ट ऑफ द स्टेट, करेजियस है ना, बहादुरी, दिल से ताल्लुक रख रही है। देन प्रोफेशनल क्लास, प्रोफेशनल क्लास इज द बेली ऑफ और एपेटाइट ऑफ द स्टेट, ठीक है, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, तो वो मिलिट्री क्लास, वो एपेटाइट है। देन कहते हैं कि ना तीन डिफरेंट एबिलिटीज होंगी इन सब क्लासेस में, जिनमें सबसे ज्यादा नॉलेज है ना वो ब्रेन, जिनमें सबसे ज्यादा करेज है वो हार्ट, जिनमें सबसे ज्यादा डिजायर है वो एपेटाइट। ठीक है, कहा लोग इसी तरह के होते हैं, प्लेटो ने कहा लोग इसी तरह के होते हैं। ठीक है, और लोगों को अपने फंक्शंस के साथ काम करना चाहिए, जब वो अपने जो इनका फंक्शन है ना, जिन जिस स्पेशलिटी के साथ उनको अल्लाह ताला ने बनाया है, अगर उसके साथ ही वो काम करेंगे ना तो वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। बट इट्स कॉल्ड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो जो बंदा जिस चीज में मखसूस महारत रखता है वो उसी जगह ज्यादा काम करे, ठीक है, वहीं बेहतरी से काम करे। तो ये बात थी। देन वो मोनार्की को फेवर करते थे, मतलब उनकी आइडियल स्टेट में क्या है, वो मोनार्की से रूल हो रही है। ठीक है, एक हेड ऑफ द स्टेट है, वो रूल करेगा जो है पूरी स्टेट को। अब वो मोनार्की हेरिडिटरी नहीं है, ठीक है, वो मोनार्की हेरिडिटरी नहीं है। कौन आया आगे, जो हो गए सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा अकलमंद, ठीक है, और सबसे ज्यादा वाइज है। ऐसा नहीं होगा बादशाह की औलाद, बादशाह, ठीक है, जो सबसे ज्यादा काबिल है मेरिट पे जो बंदा आ रहा है वो मनार को जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि जो प्लेटो है उनका जो किंग है ना वो लॉ से ऊपर है,
ठीक है, क्योंकि देखें वो कह रहे हैं कि ना जो मेरा किंग है ना वो बहुत ज्यादा वाइज है, बहुत ज्यादा अक्लमंद है, उसने कोई 20-50 साल की जो है वो स्ट्रगल की है, उसके बाद वो एक स्टेट पे पहुंचा है, एक पोस्ट पे पहुंचा है, तो वो उस लॉ से ऊपर है जो कि कमजोर इलिटरेट लोगों से आ रहा है। यूजुअली जब हम लॉ के बारे में पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ोगे कि लॉ का एक सोर्स कस्टम्स भी होती है, ठीक है, और लॉ हम किस लिए बना रहे हैं, हम लॉ लोगों के लिए बना रहे हैं, वो लोग जो वीक हैं, जो इलिटरेट हैं, जो कि किंग नहीं बन सके, तो वो किंग से नीचे हैं, तो वो जो लॉ इन लोगों पे अप्लाई हो रहा है ना वो किंग पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो लॉ से ऊपर है, वो बहुत ही ऊपर की चीज है किंग उसका ना। अच्छा, अपनी आइडियल स्टेट में वो बात कर रहे हैं टू फोल्ड कम्युनिज्म की। टू फोल्ड कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म में एक्चुअली ये होता है कि जो चीज है ना वो कम्युनिटी ओन करिए, वो सबकी है, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि ना आर्टिसन क्लास को ना हर चीज प्राइवेटली है, जो जैसे कि उन्होंने घर बनाया है वो उनका अपना है, उन्होंने गाड़ी लिया वो उनकी अपनी है, ठीक है, वो आर्टिसन क्लास की हर चीज उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट मिलिट्री और रूलिंग क्लास की कोई भी चीज उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो सारी चीजें स्टेट की हैं, सारे लोग जो है ना उसको कॉमनली ऑन करें, ठीक है। फहद ने पूछा है कि वो कह रहे हैं प्लेटो के मुताबिक जो तमाम लोग हैं वो लॉ के सामने इक्वल होंगे, ठीक है, हाँ जी तमाम लोग इक्वल होंगे, बट मिलिट्री क्लास सॉरी रूलिंग क्लास जो किंग है ना, जो मनार्क है, वो लॉ से ऊपर होगा, वो लॉ को ओबे नहीं करेगा, उसको वायलेट भी कर सकता है, मतलब लॉ उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वो कह रहे हैं टू फोल्ड कम्युनिज्म होगा, मतलब जो दो क्लासेस है ना उनकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, हर चीज जो है वो कॉमनली ओन है, मतलब जो स्टेट में जितने भी घर है ना सारे के सारे मिलिट्री क्लास के भी हैं, रूलिंग क्लास के भी हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बात की कि फैमिली भी कॉमन होगी उनकी ना, मतलब उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत नहीं है और फैमिली बनाने की भी इजाजत नहीं है, मतलब वो शादी भी नहीं करेंगे। अब वो ये कंसिडर करें कि पूरी स्टेट उनकी अपनी, ठीक है, पूरी फैम जो स्टेट में मौजूद जितनी भी फैमिलीज हैं, जितने भी घर हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी बेगमात हैं, जिसके भी हैं, वो सब उनकी अपनी है, ठीक है, वो मतलब स्टेट को अपनी फैमिली समझे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना जन और जर, इससे करप्शन या झगड़ा पैदा होता है। तो जो दो क्लासेस हैं जो एक्चुअली में मिलिट्री क्लास और रूलिंग क्लास है, जो एक्चुअली में स्टेट को रन कर रही हैं, वो अगर जन और जर से महरूम कर दी जाएंगी ना तो वो करप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इधर बहुत बड़ा चांस है कि वो करप्शन करेंगे, और अगर ये करप्शन करेंगे तो फिर स्टेट में जितने भी लोग हैं सबके सब इफेक्ट होंगे, ठीक है, इसलिए उन्होंने मना किया। उन्होंने कॉमन वाइव्स और कॉमन चिल्ड्रन का एक जो है वो कंसेप्ट दिया था, यानी कि स्टेट में वो जो भी है ना उसको अपना समझे, उसको अपनी फैमिली समझे, ठीक है। तो वी हैव लेस देन 1 मिनट, हमारी मीटिंग खत्म होने लगी है, आई हैड जस्ट 40 मिनट्स, तो वो खत्म हो चुके हैं, तो आई एम एंडिंग द मिनट सॉरी मीटिंग, तो आप रीज्वाइन कर लें प्लीज, मैं स्टार्ट करती हूँ दोबारा। टन 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 टन।